इंसाफ न मिलने पर महिला ने लगाई मीडिया से न्याय की गुहार। जनपद रामपुर के भंवर का निवासी महिला लक्ष्मी देवी को तमाम कोशिशों के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित महिला लक्ष्मी देवी ने मीडिया को बताया कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिससे महिला अत्यंत दुखी और डिप्रेशन में है। महिला को डर है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी घटना न घटित हो जाए तथा कुछ दरिंदे उसकी जमीन भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। महिला कई बार कैमरी थाने में शिकायत दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो न जाने कितनी महिलाएं घर से बेघर हो जाएंगी। महिला का आरोप है कि दरोगा जी बार बार चौकी पर बुलाते हैं और फैसले का दबाव बनाते हैं। चौकी पे है तो आपने यहाँ पर शिकायत की तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं, कई बार आ चुकी, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। मैं जब वो बुलाते हैं धमकी देते हैं मुझे और मुझे डांटा पड़कर भगा देते हैं। उन लोगों से ही सब कुछ मेरे साथ और कराते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बताया गया आपसे? हाँ, यहाँ पर जो आई हैं आप तो यहाँ क्या बताया आपसे? कुछ नहीं, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है इन लोगों के पास। अच्छा, और कप्तान साहब के पास आई थी। ओम प्रकाश, रही दूल्हा और बाबू खान हुकूमत, तो मेरे घर में घुसे थे ये। तब मैंने कार्रवाई करी, कुछ नहीं हुआ। चौकी गई हूँ, कुछ नहीं हुआ। थाने गई, वहाँ कुछ नहीं हुआ। बहुत जगाने जा चुकी। ये लोग फिर मुझे आते हैं मेरे घर और मुझे धमकाते हैं और धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे, नहीं जाएगी यहाँ तो अपना घर छोड़ के भाग जाए। अकेली रहने वाली हूँ मैं, कोई है नहीं मेरा, और एक छोटा सा लड़का है और अपनी मेरी दीदी है, एक विधवा गांव में उनके घर में रह रही हूँ। और फिर कप्तान साहब के पास गई थी, कई रिपोर्टें दे चुकी। और ये लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि जितनी रिपोर्टें देनी है देते रहो, कुछ नहीं होगा इसमें, हम सब कुछ देख लेंगे। और जो हमारे भंवर का चौकी पे जो पुलिस वाले हैं, एक अतुल दरोगा, एक हरेंद्र और एक कौशल और एक तेज सिंह, ये जब मैं जाती हूँ मुझे बुलाने आते हैं, कहते हैं चलो चौकी पे चलो। कभी दिन को आते हैं, कभी रात को आते हैं, कहीं चक्कर मारते हैं मेरे घर के। मैं जाती नहीं, मैं अकेली महिला हूँ, मैं कैसे जाऊँ? और मैं जब जाती हूँ तो मुझे भगा देते हैं और डांट टपट के कहते हैं कि जबरन फैसला करो, जबरन फैसला करो। और मतलब